हेलो एवरीवन, इंग्लिश में बेटा हम करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था, उसी के पेज पे 14, पेज नंबर कितना 14, ये देखो पेज नंबर आप 14 निकालोगे, एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ से करेंगे हम जो है स्पेल वेल, मतलब शब्दों को जो भी है स्पेलिंग्स को और को इन वर्ड्स को सीखना कैसे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा एड सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड, मतलब आपको ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे ये वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, जो इनके साथ मैच होते हैं उनको लिखना है और फिर एक नया वर्ड बनाना है। अब बेस के साथ एक वर्ड मैच होता है बॉल, बेस बॉल, तो क्या बन गया बेस बॉल, ठीक है। फिर आपने यहाँ पूरा वर्ड यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट आता है फुट, फुट के साथ मैच होगा प्रिंट, फुट प्रिंट, ठीक है, यानी कि पैरों के निशान। थर्ड है बटर, बटर के साथ क्या मैच हो रहा है फ्लाइज, बटरफ्लाइज होती है ना, तो यहाँ पे आप फ्लाइज लिखोगे और फिर यहाँ पे पूरा वर्ड लिखोगे बटरफ्लाई, ओके। आगे आता है पास, पास और फिर नेक्स्ट वर्ड होता है पोर्ट, पासपोर्ट, सही वर्ड क्या होता है पासपोर्ट, ओके। ऐसे नेक्स्ट है, इसमें आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, एक अक्षर छोड़ के दूसरा वर्ड दिया हुआ जैसे, ठीक है, अल्फ़ाबेट अलग अलग लिख के दिए हुए हैं, आपको इसको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे एफ़ दिया हुआ था, अब देखो एफ़ से कौन सा शुरू होता है, ये देखो फेवरेट, तो आप यहाँ पे इसको फेवरेट को कंप्लीट करके लिख दोगे। नेक्स्ट ये दिया हुआ है सेकंड पे, देखो ये किससे मिलता है साइंटिस्ट से मिलता है, तो यहाँ पे आप साइंटिस्ट की पूरी स्पेलिंग कंप्लीट करके लिख दोगे, ओके। फिर आगे ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से देखो ये एरोस्पेस दिया हुआ है, दिया हुआ ना, तो यहाँ पे एरोस्पेस के स्पेलिंग कंप्लीट करके लिखोगे। नंबर 4 पे आता है सैटेलाइट, एस ए, जैसे यहाँ पे लिखोगे एस ए, फिर आगे टी, ठीक है, फिर इस तरह से आप इसे कंप्लीट करके लिखोगे। ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे वोकैबलरी, ओके। वोकैबलरी की आपको वही है, इसमें आगे पीछे अक्षर दिए हुए हैं, ओके, मतलब अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग लेटर टू फॉर्म वर्ड्स, मतलब इनको आगे पीछे करके दिया हुआ है वर्ड्स को, आपको उनको सही करके लिखना है। जैसे डी ओ ए आर, फिर इसको हमने सही करके लिखा आर ओ ए डी रोड, फिर आगे है ई एस टी ए, इस्टा कोई वर्ड नहीं होता तो ईट्स, ईट्स मैंने खाना, फिर ये वर्ड भी उलझा के लिखा हुआ है तो इसको हम सही करके लिखेंगे नेम, ओके। इस तरह से ये जॉब, ये हो गया वर्क, ये हो गया हमारा डेज, ये हमारा उलझा के लिखा हुआ ना आगे पीछे करके, तो आर ओ एल ई रोल, ओ बी के ओ सी, कोई वर्ड नहीं बनता पर सही करके बनेगा बुक्स, बी आ गया फिर ओ आ गया फिर ओ आ गया फिर के आ गया फिर एस आ गया, बुक्स बन गया ना, ओके। नेक्स्ट अब हम करेंगे राइट द एंटोनियम्स अपोजिट्स वर्ड्स, मतलब उल्टे लिखने हैं, जैसे दिन का रात, डे नाइट, ठीक है, हंसना रोना, हम हिंदी में करते हैं ना ऐसे, इंग्लिश में भी उल्टे लिखने हैं। अब जैसे डाउन, डाउन मैंने नीचे, इसका अपोजिट यानी कि ऊपर, अप, ठीक है, पुअर गरीब, रिच मैंने अमीर, हैवी भारी, लाइट हल्का, एंटर मैंने आना, एग्जिट मैंने बाहर जाना, स्टार्ट मैंने शुरू करना, स्टॉप मैंने रोक देना, ठीक है, नियर यानी कि पास, फार यानी कि दूर, हैप्पी यानी कि खुश, सैड यानी कि उदास, बैड यानी कि बहुत बुरा हुआ, गुड यानी बहुत अच्छा, ठीक है, स्माइल यानी कि खिला हुआ सा चेहरा, एक होता है फ्रॉन, मतलब चेहरा ऐसे लटका लेना या फिर आड़ा तिरछा सा ऐसे, मतलब गुस्से से वाला बना लेना, ठीक है, तो उसे फ्रॉन बोलते हैं। तो इस तरह से आपने ये बुक वर्क करना है अपने बुक में, ओके, अच्छे से।